वेलकम टू द स्कूबर दोस्तों। दोस्तों आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मिस्टर ब्रार से। ये मेरा एक पुराना, जब से मैं छोटा था तब से मेरा एक पैशन था। मैं शुरू से एक डॉग लवर रहा हूँ, तो बस शुरू से एक मैं इस जो TM ब्रीड है मेरा, इसके साथ थोड़ा प्यार रहा है। तो मैंने काफ़ी अपनी कोशिश की है अभी इस लाइन को मैं इम्प्रूव करूँ जितना मैं कर सकता हूँ। तो पहले मेरे पास लोकल डॉग्स था, तो वो मेरे पास 8-9 साल रहा। तो वो मेरा इतना अच्छा मेरा उसके साथ अटैचमेंट थी, उसके जाने के बाद फिर मुझे महसूस हुआ भी मैं इस लाइन को और इम्प्रूव करूँ। उसके बाद फिर मैंने ये जो अमेरिका का ड्रैकी कैनल है, जो इस समय वर्ल्ड का बेस्ट कैनल है, फिर मैंने वहाँ से डॉग्स इंपोर्ट किए। रिसेंटली फिर मैंने चाइना से भी इंपोर्ट किए डॉग्स, तो बस अब इनकी देखभाल कर रहा हूँ। सर बाय प्रोफेशन आप? बाय प्रोफेशन मैं एक सरकारी वकील हूँ। एट प्रेजेंट आई एम पोस्टेड एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एट फिरोजपुर। तो बस एक शुरू से एक थोड़ी सी इनसे मेरा लगाव है, क्योंकि एक डॉग थेरेपी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी सारे दिन भर की थकान है वो आपकी ख़त्म कर देती है। जो सारा दिन का कचहरी का मेरा वर्कआउट होता है, उससे जब मैं थका आता हूँ घर पे, तो बड़ा मैं इनसे खेल के इनके साथ मिक्स होके मुझे अच्छा लगता है। तो बस देखिए ब्रार साहब की ये सबसे ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। ये मेरी फीमेल है रूबी। दोस्तों ये है दूसरी ब्रार साहब, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जारा। जारा ये दोनों ही ड्राकी कैनल से हैं। ये भी ड्राकी कैनल से ये है। भी ड्राकी कैनल ब्रावी ऐसे कहाँ पर है ये ड्राकी कैनल? ये ड्राकी कैनल अमेरिका में एक्टन में है। तो इस समय दुनिया का वर्ल्ड का बेस्ट कैनल है अमेरिका का, अमेरिका में जो ये ड्राकी कैनल। और लकीली इंडिया में सिर्फ दो ही फीमेल्स हैं जो डायरेक्ट ड्राकी से आई हैं, और दोनों आपके ये पास? ये दोनों ही सेम फादर से हैं, वे फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। दोस्तों ये देखिए ड्राकी कैनल की दो फीमेल है इंडिया में, एक तो ये है एक वो है। थोड़ा मैं दूर ही रहता हूँ। नहीं कुछ नहीं कर और ये है TM। अभी इन्होंने ड्राकी कैनल से एक मेल भी आया ना आपके पास? वो ड्राकी दैट इज फ्रॉम चाइना। That is from China. हाँ वो नेटिव चाइना से। ठीक है ये देखिए बेस्ट, और ये आ गया मेरे पास। नहीं कुछ नहीं। ब्रदर साहब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बताइए इसका, फेस का स्टैंडर्ड। वो जो चाइनीज टी है, फेस का जो स्टैंडर्ड है वो ये है, इसका मजल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है। हेड साइज बड़ा होना चाहिए। चेस्ट इसकी जो है वो ब्रॉड होनी चाहिए। जितना कोट कंडीशनिंग इसकी कोट अच्छा होगा, डेंस कोट होगा। ये मस्ती में रहती है। कौन देखिए ओए बे स्मेल कर रही है इनका अपना एरिया। तो दोस्तों TM रखने के लिए प्रॉपर आपको जगह चाहिए। ये नहीं है कि आप छोटे से घर में TM रख लो,
उड़ साइड वो नहीं कुछ उठे। और ये मेरे पीछे पीछे प्रॉपर पोज बनाती हुई जारा। भाई साहब आप मेल भी दिखा दोगे आप? जी आज आपको तंग कर रहा हूँ मैं वैसे। नहीं 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 ये देखिए ये विराट साहब लेकर जा रहे हैं। और ये इनके लिए स्पेशल धूप सेकने के लिए बनाया हुआ है विराट साहब ने, काफी अच्छा सेटअप बनाया हुआ है। और प्रॉपर रात को ना ये नहीं है कि पूरा रात को खुला ही रखते हैं ये दोनों को। और ये थर्ड मेल जो आ रहा है ये पीछे इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है गाय वगैरह सारा कुछ। आप और दोस्तों ये है इनका नया वाला अभी सिर्फ 10 महीने का भैया। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम है वायरस। वायरस वायरस ही नाम रख दिया आपने इसका नाम वायरस। और ये कहाँ से आया था अभी? ये आया नेटिव चाइना से। नेटिव चाइना से भैया ने नाम अभी रखा आपने या पहले रख दिया था? नहीं इसका? ये नाम तो मेरा आज से 3 महीने पहले का रखा हुआ है। चलो नाम भी अच्छा रखा है। ये कैनल से डॉग्स नहीं है, ये बिल्कुल जो एबोरिजिनल टीम्स होते हैं ना नोमैड एरिया में से, ठीक है ये वहाँ से आया है जहाँ इनका ओरिजिन हुआ है जिस एरिया में से ये तिब्बत से ही आया। मतलब ये डॉग्स जहाँ से इनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है ये उस एरिया में से आया है। जो टिपिकल टीएम है, जो टिपिकल टीएम जिसको आप कह सकते हो। दोस्तों ये देखिए भैया इसमें कोई इशू आता है वैसे आपस में रहने में या क्या? नहीं ये तो डिपेंड करता है डॉग के टेम्परामेंट के ऊपर। टेम्परामेंट थोड़ा सा इनका नेचुरली ये भी जो डॉग्स एक्चुअली इनकी फीमेल है वो इकट्ठे रह सकते हैं, मेल और मेल इकट्ठे रहना मुश्किल है और फीमेल इकट्ठी रहनी थोड़ी मुश्किल है उस चीज़ में थोड़ा इनकी प्रॉब्लम। मतलब ये पेयर बना के चलते हैं? पेयर बना के चलते हैं। सेम सेक्स में इनको थोड़ा सा इशू रहता है अपना एरिया डिवाइड करने में। और ये देखिए क्वालिटी भैया को पूछ रहा था आप डॉग शो में नहीं लेकर जाते, कहते मैं घर के बच्चों को कभी नहीं लेकर जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर लोगों को दिखाने से अच्छा है जो मैं घर में रख के। वो मर्सिडीज़ वाली बात कह रहे थे ना आप कि मर्सिडीज़ लेकर मैंने घर में खड़ी कर दी है। बात ये है भी क्योंकि ये मेरे लिए डॉग्स नहीं है, ये मेरे लिए मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, तो मैं इस बात से थोड़ा चिंतित ज़रूर रहता हूँ भी अगर मैं इनको शो में लेके जाऊँगा तो शायद कहीं से मैं इसका चाहे नाम ज़रूर वायरस है पर मैं इनको वायरस से बचा के रखना चाहता हूँ तो कोई इन पर किसी तरह का। हमने ना एक टैगलाइन दी थी रॉयल पेपर रॉयल ब्रीड्स, वो टीएम को हमने उस कैटेगरी में रखा था। ये जो टीएम ब्रीड है ये एक्चुअल में एक है ही रॉयल ब्रीड है। ये एक ऐसी ब्रीड है जो सबसे रफ वेदर में रहती है और सबसे हाई आल्टीट्यूड पे रहती है। एक ही डॉग है जो माइनस डिग्रीज में बड़े आराम से पुल ऑन करता है और अपने परिवार की गार्डनिंग करता है। ब्रार साहब आपको हमने बहुत तंग किया और आप हमारे वीडियो में आए इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया पहले जिन्होंने आप अपने समय निकाला। नहीं समय आपने दिया वो शुक्रिया क्योंकि आप मुझे टाइम दे भी नहीं रहे थे। ये तो हमारे जोगिंदर भैया के फ्रेंड है ये देख लीजिए और ये आपके सामने टीएम। लवली ये जब ग्रोन अप हो जाएगा मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद ग्रोन अप होना शुरू हो जाता है। जो टीएम है वो 3-3.5 साल तक ग्रो करता है। ठीक है ये फुली मैच्योर होगा 3-3.5 साल के बाद। 1.5-2 साल तक तो ये ग्रो करता है उसके बाद ये फिर फिल करता है। ब्रार साहब एक और मान्यता है कि हम डॉग को कभी रॉ मीट नहीं दे सकते।
नहीं, जैसे ये आपने मुझे बताया मैं तो देता ही रहा हूँ मीट। रॉ मीट की ये बात है जो एक्चुअली इनकी फूड है, क्योंकि जिस आल्टीट्यूड पे ये इनकी ये रहते हैं वहाँ पे तो इनको जो डाइट है वो रॉ मीट ही है इनकी डाइट। ठीक है, अगर इनको थोड़ा बॉयल करके थोड़ा सा दे देंगे तो वो भी ठीक रहेगा, पर रॉ मैं इनको शुरू से रॉ मीट पे ही रखा हुआ। डिनर में रॉ मीट ही देते हो? डिनर इनका रॉ मीट का ही होता है। ये देखिए मुझे बहुत मज़ा आया, एक घंटे के लिए आया था मैं, 3 घंटे इनके साथ खेला तो नहीं लेकिन दूर से देखा जरूर है इनको। ये देखिए ये नया 10 महीने का लवली। अब ये देखेंगे तीनों धूप। चलो चलो और ये भैया के पास एक जर्मन शेफर्ड भी है लॉन्ग कोट। और भैया ये आया है पटियाल भैया के पास, ये हो गया 5 साल का। और ये डॉन है इनके घर का, ये कैनल नहीं है बेसिकली, ये घर ही है ब्रार साहब का, उन्होंने रखे हुए हैं, कोई कैनल में नहीं है। और ये 5 साल का डॉग है, इसका नाम एटलस है, एटलस बॉय। बड़ा शरारती लग रहा है ये ब्रार साहब। ये पहला डॉग है ना आपका? हाँ जी, ये मतलब पहले तो काफ़ी रखे होंगे इन मतलब चारों में से, जो, जो मेरे पास चार हैं उनमें से उनमें से ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। और ये देखिए दोस्तों लॉन्ग कोट ठीक है। और ऐसे डॉग लवर बहुत कम मिलते हैं। आपके पास जैसे प्रॉपर जगह है तो आप 4-5 रखिए, अगर प्रॉपर आपके पास जगह नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए डॉग रखने से। कई लोग रख लेते हैं, जैसे छोटा सा मकान होता है 2-3 डॉग रख लेते हैं, वो गलत है। ठीक है, थैंक यू।